240 बच्चों को पहले 3 महीने के सेशन के अंदर इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेन किया जाएगा 4 अलग अलग ट्रेड में। पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा हॉस्पिटैलिटी बेकरी, तीसरा स्टिचिंग और चौथा ट्रेड जो सबसे आज के दिन बूम पर है वो है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउसिंग। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के युवाओं को रोज़गार देने की एक नींव आज यहाँ इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर से शुरू करी गई है। 10,000 स्क्वायर फुट के अंदर शुरू किया गया, चौधरी देवीलाल पन्नीवाड़ा मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये सेंटर अपने आप में हरियाणा के 22 के 22 जिलों के लिए एक मॉडल बनकर स्थापित हो गया। अभी मैंने छोटे छोटे ट्रेड से जुड़े हुए, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री में पैकेजिंग की बात हो, चाहे फेडेक्स की बात हो, अलग अलग प्रकार के लोगों जो यहाँ पर आकर प्लेसमेंट का कार्य भी शुरू करेंगे उनसे चर्चा करी है। और मेरा ये मानना है कि ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारे प्रदेश के बच्चों को जहाँ एक अपॉर्चुनिटी देगा वहीं वो एक्सपोजर भी देगा कि वो इंडिया के किसी कोने में जाकर भी रोज़गार कर पाए। और सबसे अच्छी बात है कि जो सबसे बड़ी डिमांड है, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, जो हर हाउस होल्ड के अंदर डिमांड रहती है, अगर उसका ट्रेंड 3 महीने का कोर्स हम देंगे तो अपने आप में हमारी क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपने लैब्स देखी हैं किस प्रकार से बच्चों ने, तो यहाँ 240 बच्चे हैं उन्हीं में से बेकरी के अंदर केक बनाना, बिस्किट बनाना, ये आम सुविधा की चीज़ें हैं, ये बनाकर देने का काम किया। हम तो आगे इनको प्रमोट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे सेंटर से ही इनको बच्चों को भी प्रमोशन मिलेगी और वो चीज़ें लेकर कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट्स में भी इस्तेमाल करने का काम करें। मगर खुशी है कि चौधरी देवीलाल जी के इस इंस्टीट्यूट को दोबारा रिवाइव करने के लिए हरियाणा सरकार का ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो शुरुआत है, हमने तो सारा 90 दिन के अंदर, और मैं तो राज नेहरू जी को बधाई दूंगा कि इन्हें 90 दिन के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर भी किया, लोगों और कंपनियों से टाइप भी किया, बच्चों के इंटरव्यूज भी लिए, 14 लोगों का स्टाफ यहाँ नियुक्त किया कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर को चलाए। और अब मेरा एज इंडस्ट्री मिनिस्टर भी ये प्रयास रहेगा, जितनी हमारे ऑटोमोटिव कंपनीज हैं, जितनी स्किल रिलेटेड कंपनीज हैं, जितने BPOs हैं, हम उनसे भी टाइप करें कि उनको भी यहाँ पर एक एक लैब दें जिनको वो स्थापित भी करें, 3-3 महीनों का कोर्स कराकर। अगर 2-व्हीलर की बात करो तो 2-व्हीलर के मैकेनिक को लगभग बराबर ही मोटरसाइकिल के ऊपर कार्य सीखना पड़ता है। अगर वो कार्य हम यहाँ सिखा देंगे तो हमारे यहाँ का ट्रेंड बच्चा हरियाणा के देश की किसी भी एजेंसी के अंदर, किसी भी सर्विस शॉप के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जाकर मोटरसाइकिल के ऊपर काम कर पाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा जैसे होंडा को ITI उचाणा के अंदर हमने स्थापित किया है, वैसे ही चाहे और ऑटोमोटिव कंपनीज हैं उनसे मैं निवेदन भी करूंगा कि यहाँ पर आकर एक एक लैब वो अपनी सेटअप करें और इसको, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहाँ आज इंजीनियरिंग ट्रेड डाउन हुआ है उसको हम स्किलिंग ट्रेड से अपलिफ्ट करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी रिवाइव करें। अभी तो हमारा प्रयास है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम बनाएं, उसके अंदर भी हमने 3 बिल्डिंग्स को लोकेट किया है हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर। और मैं तो उसको भी उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आपको तोहफे के तौर पर दूँ, जहाँ पर NDA के लिए हम ट्रेनिंग हरियाणा के युवाओं को, सिर्फ सिपाही भर्ती करना हमारा लक्ष्य नहीं है, अफसर भर्ती करने के लिए भी हम ट्रेनिंग देंगे और ऐसा मॉडल सेंटर हरियाणा प्रदेश में स्थापित करें।